तो बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर जो कि आ रही है संसद से। संसद में आज सरकार ने व्हाइट पेपर रख दिया है, लोकसभा में इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसमें 2014 से आज की इकोनॉमी की तुलना की गई है और हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी बताएं, ये जो व्हाइट पेपर संसद में रखा गया है, क्या कुछ है इसका लबोलुआब? देखिए, ये जो व्हाइट पेपर यहाँ संसद में रखा गया है उसको अगर देखें तो जो इसका कंक्लूजन या फिर जो इस पूरे व्हाइट पेपर का निष्कर्ष बताया गया है वो मुझे लगता है कि इसमें साफ तौर से दिखाया है कि 2014 के वक्त सरकार किन किन मोर्चे पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में थी। इसमें ये बताया गया है कि उस वक्त जो सरकार के सामने समस्या थी वो समस्या चौतरफा थी, वहाँ पर 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में भारत की गिनती होती थी, अब टॉप 5 में भारत की गिनती हो रही है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो इकोनॉमी में लोगों का भरोसा था वो भरोसा काफ़ी ज़्यादा उठ गया था, अब वो भरोसा फिर से यहाँ पे बनने लगा है। 2014 से पहले जहाँ कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले हुआ करते थे वहाँ पे काफ़ी सफलतापूर्वक जो है सरकार G20 जैसे सम्मिट करवा पा रही है। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से सरकार उस वक्त जूझ रही थी, आज सारा व्यवस्था अर्थव्यवस्था के सारे मापक दुरुस्त दिख रहे हैं। ये बताया गया है कि 2014 से पहले जहाँ डबल डिजिट महंगाई दर थी, अब वो 5% के नीचे महंगाई दर आती हुई दिख रही है। तो ये अलग अलग तथ्य दिए गए हैं। साथ ही साथ IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो जो भारत के पैमाने पर भारत को अपग्रेड किया गया है उसकी तुलना यहाँ पर की गई है और बताया गया है कि 2014 से पहले क्या हालत थी, 2000 के बाद अभी क्या हालत है। ऐसे करके इन्होंने पूरे करीब 65 पेज का पूरा व्हाइट पेपर बताया है। पहले जहाँ लाइसेंस राज था वहाँ पर गिफ्ट सिटी का जिक्र किया गया कि हमने गिफ्ट सिटी लाई, यानी सरकार ने गिफ्ट सिटी लाया, ये बताया गया है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस की बात की गई है कि 2014 से पहले वित्तीय कोष के मोर्चे पर, फॉरेन एक्सचेंज के मोर्चे पर संकट के हालात थे, अभी हमारे पास यानी भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $620 बिलियन से भी ज़्यादा का हो चुका है। पॉलिसी पैरालिसिस जैसे हालात थे 2014 से पहले, अब जाकर के पॉलिसी पैरालिसिस नहीं, यहाँ पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और सेविंग को ये पॉलिसी यहाँ पे बढ़ावा दे रही है। वहाँ पे जो था वहाँ पे दिया गया था कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बिल्कुल ठहर सा गया था, अब डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ पे विकास का हिस्सेदार बनाया जा रहा है। 2014 से पहले के अलग अलग मोर्चे पे तुलना करते हुए 2024 में सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर का तुलना किया गया है और बताया कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर 2014 से पहले क्या हालात थे और अभी क्या हालात है। तो मुझे लगता है कि व्हाइट पेपर इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर कहना मुझे लगता है थोड़ा सा अधूरा व्याख्या होगा इस व्हाइट पेपर का। इकोनॉमी के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी व्हाइट पेपर बताया गया है कि कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों मोर्चे पर 2014 से पहले क्या हालात थे, मोदी सरकार के आने से पहले क्या हालात थे और अभी हालात क्या है। तो ये व्हाइट पेपर मुझे लगता है कि 2014 से लेकर अब तक के जो विकास की गाथा है उसको बताई गई है, 2014 के वक्त क्या क्या चुनौतियां थी उसको यहाँ पे बताई गई है। जी दीपाली, लक्ष्मण जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि इसके जरिए राजनीतिक पूरा पैमाना भी आंका जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि अब सरकार इस व्हाइट पेपर को लेकर बड़े स्तर पर इन्हीं मुद्दों पर कैंपेनिंग करने जाएगी? बिल्कुल, ये जो व्हाइट पेपर सरकार की तरफ से पेश किया गया है ये दो चीज़ों के साफ द्योतक है। पहली बात तो ये कि आने वाले दिनों में चुनावों में सरकार जिन जिन मोर्चे पर हमला बोलेगी, विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी, उसका एक पैमाना, उसकी एक रूपरेखा इस व्हाइट पेपर के जरिए सरकार ने खींच दिया है। अब एक रास्ता बन गया है जिस पर सरकार के हर मंत्री, सरकार के हर प्रवक्ता इन मुद्दों पर जो व्हाइट पेपर में दिया गया है विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। और यही वजह थी कि आपने देखा होगा कि UP निर्मला सीतारमण के व्हाइट पेपर पेश से कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस ने अपना काला चिट्ठा ब्लैक पेपर पेश किया ताकि उसका जवाब वहां पर दिया जा सके, जहां पे महंगाई के मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, बाकी मोर्चे पर सरकार को रोजगार के मोर्चे पर घेरने की कोशिश की गई। तो यहां पे इस व्हाइट पेपर में दरअसल सरकार के आगे की रणनीति, आगे की रूपरेखा, चुनाव तक सरकार किस मोड में रहेगी और किन किन मुद्दों पर अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, किन किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरेगी, ये साफ कर दिया है। दूसरी चीज, इस व्हाइट पेपर को सिर्फ संसद में रखा नहीं गया है, इस पर चर्चा भी सरकार कराएगी। तो हो सकता है कल का एक दिन बचा संसद के मौजूदा सत्र का, तो कल ये चर्चा करा ले या फिर एक दिन के लिए संसद के बजट सत्र को आगे बढ़ा दे और शनिवार को इस पर चर्चा करे। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा, औपचारिक मंजूरी अभी तक नहीं मिली है।
बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने ये भी जिक्र किया कि कांग्रेस की तरफ से भी एक ब्लैक पेपर जारी किया गया है, तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर की यहाँ पर पॉलिटिकल वॉर दिख रही है, उसे आप किस तरह से देखते हैं अगले आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर? मुझे लगता है कि जब जब ये मुद्दा उठ रहा था, ये काफ़ी सीरियस डिबेट होना चाहिए, वाकई तथ्यों के आधार पर एक दूसरे पे हम डिबेट होनी चाहिए, तो वो तथ्य यहाँ पर वाइट पेपर के जरिए पेश किया गया है। और यहाँ पे पूरे वाइट पेपर में ये भी बताया गया कि आखिर इस वाइट पेपर को लाने के पीछे क्या क्या मकसद है। ये बताया गया है कि सरकार जो है अर्थव्यवस्था की हालत को वापस से पटरी पर लाना चाहती थी, इस वजह से सरकार ने इतना समय लगाया कि पटरी पर जब अर्थव्यवस्था की हालत आ जाएगी तब यहाँ पे हम वाइट पेपर लाएंगे। इसमें भी बताया गया कि अगर उस वक्त वाइट पेपर लाया जाता तब लोगों का भरोसा इकोनॉमी से उठ जाता, इस वजह सरकार ने उस वक्त जब सत्ता संभाली उस वक्त वाइट पेपर नहीं लाया और अब जा कर के वाइट पेपर सरकार यहाँ पर ला रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये एक राजनीतिक विवाद को भी तूल देगी, क्योंकि पहले वाइट पेपर, फिर उससे पहले ब्लैक पेपर, अब जाकर के मुझे लगता है कि इस सारे मोर्चे पर विपक्ष और सरकार आमने सामने दिखेगी, और जब बहस होगी तो बहस भी मुझे लगता है काफ़ी गहमा गहमी वाली बहस होनी चाहिए संसद में। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक आपने बताया कि किस तरह से जो मोदी सरकार की तरफ से व्हाइट पेपर संसद में रखा गया है उसमें बताया गया है कि पिछले 10 सालों में क्या कुछ चुनौतियां रही, लेकिन अब आगे सरकार का क्या कुछ रोड मैप होगा, क्या इसके भी कुछ संकेत इस व्हाइट पेपर में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों में सरकार ने कहे तो इस वाइट पेपर के जरिए 10 साल में अपनी उपलब्धियां तो बताई है, साथ में सरकार ने यह भी अलग अलग मौके पर संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में सरकार का फोकस क्या रहने वाला है। जैसे कि सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, कि अगले 5 साल में सरकार का क्या लक्ष्य है। एक तो पहला भरोसा है इनको कि अगले 5 साल में इनकी सरकार रहेगी, और अगले 5 साल में किन किन मोर्चे पर काम होगा ये बताने कोशिश यहाँ पर की गई है, उसकी भी एक रूपरेखा तय की गई है। मिसाल के तौर पर सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर पर जोर देगी, एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर देगी, साथ ही साथ सरकार इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर जोर देगी, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर है वहाँ पर जोर दिया जाएगा, तो उसकी भी एक रूपरेखा सरकार ने तय कर लिया है। तो सरकार ये बताने की बार बार कोशिश कर रही है कि 10 साल में सरकार अर्थव्यवस्था को अभी तक पटरी पर लाने का काम किया गया है, अब अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी है, अब 5वीं से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ यहाँ पे ले जाना होगा, और उसके क्या क्या पैमाने होंगे, क्या क्या मानक होंगे, ये सरकार ने साफ तौर से तय किया है। और इसमें एक और चीज़ बताऊँ कि महंगाई को लेके खास जिक्र किया गया, जिस महंगाई के मोर्चे पे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, उस महंगाई के जिक्र करते हुए कहा गया कि कारोबारी साल 2010 से लेकर 2014 तक औसत महंगाई दर डबल डिजिट में थी, यानी 10% 11% 12% हुआ करती थी, अब वो सिंगल डिजिट में आ गई है, 5% से भी नीचे आ गई है। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर को लेकर इसमें खास जिक्र किया गया है कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से समस्याएं थी 2014 से पहले, एनपीए की समस्या कितनी ज़्यादा थी, लोन देने में पारदर्शिता की कमी थी, वो सारी चीज़ें किस तरह से 10 साल में दूर हुई हैं, अब कितना पारदर्शी हो गया है, बैंकिंग सेक्टर का कैसे ज़्यादा हालत सुधरा है, इकॉनमी को 10 साल में यानी 2014 से पहले की जो इकॉनमी थी यूपीए सरकार के वो बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग इकॉनमी थी, ये बताने का जिक्र दावा किया गया है इस वाइट पेपर में। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी। भट्टाचार्य जी, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे जो ये व्हाइट पेपर आज संसद में रखा गया है। देखिए, सबसे पहले व्हाइट पेपर, ये इसकी जिक्र मोदी सरकार ने, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम एक व्हाइट पेपर आते वक्त, यानी कि जस्ट हम शुरुआत में गवर्नमेंट शुरुआत करने के वक्त ही हम पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये उस वक्त अगर हम जीते तो ये सिर्फ तू मैं टाइप का चीजों में फंस जाते कि हम क्या कर सकते हैं। तो 10 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे व्हाइट पेपर लाना मुझे लगता है सही बात है कि आपने परफॉर्मेंस क्या दिखाया है उसका आप सामने खुलासा करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि व्हाइट पेपर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसपे वोटिंग होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट होता है किसी भी विषय के ऊपर जिसका काफी महत्व होता है, जिस पर काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इस वहां के इसलिए श्वेत पत्र का इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हर साल इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में जो कमेंट्स आते हैं उससे कहीं ज्यादा एक सॉर्ट ऑफ लुकिंग बैक का रोल अदा करता है ये व्हाइट पेपर।
और ये व्हाइट पेपर में वही चीजों के बारे में आलोचना किया गया है जिस पर भारत सरकार ने अपने कामयाबी पर कामयाब अपने आप को मानते हैं, कामयाब सिद्ध हुए हैं, और जिन परिस्थितियों से निकल के सामने आया था इकोनॉमी उस वक्त, उसको किस हद से स्टीयर किया गया, यानी कि जैसे इंडियन इकोनॉमी 2013 में फ्रेजाइल फाइव में था, उस फ्रेजाइल फाइव से आज जब FII, FDI फ्लो दोनों भारत में भरपूर आ रहे हैं, इंडिया ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का अंशीदार बन गया है, इस ये जो रास्ता है, ये रास्ता कैसे तय किया गया, यही इस व्हाइट पेपर का वन ऑफ द मुख्य बिंदु है। साथ में सोशल सेक्टर में किस तरीके से एंटाइटलमेंट को बहुरूपी कर दिया गया है, सारे सेक्टर जैसे कि वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सैनिटेशन हो, इन सभी चीजों में, इन सब चीजों को एक साथ में लाके ये व्हाइट पेपर में दर्शाया गया है, ताकि एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक जो सरकार को लोगों के सामने अपने परफॉर्मेंस का एक ठोस आलोचना का माहौल तैयार करने में सहायता करता है। इसलिए मैं समझता हूँ ऐसा व्हाइट पेपर आना बहुत जरूरी था, और ये बहुत अच्छा कदम है, मैं मानूंगा सरकार की तरफ से इस तरह का व्हाइट पेपर लाना, जिससे देश में एक सकारात्मक आलोचना हो सकता है अर्थनीति और सोशल सेक्टर, पूरे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को एक साथ में लाकर डिस्कस करने के लिए। जी शुभमय जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल यह है कि इस वाइट पेपर को आम तौर पर इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि विपक्ष को कटघरे में लाने का एक बड़ा हथियार मिला है, लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा निवेशकों का भरोसा और ज़्यादा भारत पे बढ़ाया जाए, इसमें भी ये वाइट पेपर कारगर साबित होगा? बिल्कुल, देखिए वाइट पेपर सरकार तभी लाते हैं, एंड ज़्यादातर मेजर इकोनॉमीज में यूके में व्हाइट पेपर लाने का एक 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 सिलसिला है, दूसरे देशों में भी व्हाइट पेपर लाया जाता था, भारत में भी आपको याद होगा इससे कई सालों पहले कुछ कुछ चुनिंदा बिंदुओं पर व्हाइट पेपर लाया गया था। अर्थव्यवस्था पे व्हाइट पेपर लाना काफी डिफिकल्ट चीज़ है, और ये तभी सरकार कर सकते हैं जब सरकार को अपने ऊपर भरोसा है कि हम इन चीज़ों पर खड़े उतरे हैं, हम अर्थव्यवस्था में फॉरन एक्सचेंज रिजर्व को सेफ्टी में ले गए हैं, इंटरेस्ट रेट को, करंट अकाउंट डेफिसिट को, इन्फ्लेशन को, इन सभी चीजों में हम एक स्टेबिलिटी दे पाए हैं अर्थव्यवस्था में, तो उसका वो कैसे आया है, क्योंकि वो एक साल का परफॉर्मेंस नहीं है, उन चीजों को किस तरीके से सरकार के पॉलिसीज में कंटिन्यूटी लाया गया है, इन सभी चीजों को देखते हुए ये व्हाइट पेपर तैयार किया गया है। तो जरूर निवेशकों के लिए ये एक काफी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऐसा आता है। जी, इस व्हाइट पेपर में शुभमय जी एक और चीज है जिस पर खास फोकस किया गया, यहाँ तक कि शुरू के ही पन्ने में, वो है आपको बैंकों के एनपीओ को लेकर के बताया गया कि बैंकों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बैंकों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज का बोझ था, एक बड़ा हिस्सा जो था वो एनपीए का हिस्सा बना था, अब सरकार इसको दुरुस्त कर रही है और काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, तो ये एनपीए के आंकड़े में जो सुधार दिख रहा है और वो लगता है कि वाकई बैलेंस शीट से सिर्फ हटा है, या फिर आप चूँकि काफ़ी एक्टिव इकोनॉमी को करीब से देखते हैं, आपको लगता है कि नहीं वाकई चौतरफा सुधार हुआ है बैंकिंग सेक्टर में आंकड़ों से हट के भी देखें तो? खासकर क्योंकि हम अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें लक्ष्मण जी, लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों में खासकर कैपिटल क्षेत्र में इस सरकार ने मूलभूत सुधार किए हैं। इसमें दो तीन चीजें, एक तो बैंकिंग कंपनीज के एनपीओ में एक जो कटौती हुआ है वो एक बहुत बड़ा चीज है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर निवेशकों का उत्साह बन गया है कि ये कंपनियां सही दिशा पे चल रहे हैं। दूसरा, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड लाकर कैपिटल, देश में कैपिटल की जो एक संकट था, जो कि कैपिटल ब्लॉक्ड हो जाता था कंपनीज में, उसका रिफॉर्म नहीं हो पाता था, उस पे एक बहुत बड़ा कारगर काम किया गया है। मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को भारत का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म एजेंडा मानूंगा। और तीसरा ऑफकोर्स उससे रिलेटेड है जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, शुरुआत में इसमें अड़चने थी
लेकिन उसको धीरे धीरे सुधार करते हुए आज हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि अभी वो वन ऑफ आर मेन टैक्सेस 1.7 ट्रिलियन हर महीने का उसमें इजाफा हो रहा है, और ये भारत के लिए टैक्स सर्टेनिटी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि टैक्स बॉयंसी जो पिछले सरकार में फ्लैट था वो इस सरकार में तेजी आया है, एंड ये एक बहुत बड़ा एक डिफिसिट इंडिया में था कि टैक्स के बॉयंसी यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो में जो उछाल आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था, वो अभी आके आना शुरू हुआ है। और इसे ये तीनों चीजों को मिला के कैपिटल क्षेत्र में सुधार मैं इस सरकार का एक बहुत बड़ा जैसे कहता हूँ फंडामेंटल रिफॉर्म के हिसाब से मानूंगा। जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया शुक्रिया भट्टाचार्य जी और लक्ष्मण जी आपका भी इस पर चर्चा करने के लिए। तो आज आवाज अड्डा पर मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर होगी बड़ी चर्चा 7:57 पर। स्वागत है और अब बात बाजार की। आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन बाजार में गिरावट रही और इसी गिरावट के साथ सेंसेक्स 724 अंक गिरकर 71,428 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 213 अंक गिरकर 21,718 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसयू बैंक पीएसई शेयरों में रही, वहीं रियलिटी फार्मा शेयरों में बिकवाली देखी गई। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। इसमें शादी उत्तराधिकार जैसी चीजों के लिए एक समान कानून का प्रावधान है। तो यूसीसी से क्या क्या बदलेगा इसी पर ही करेंगे बड़ी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर।